हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफएफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन ब्लाइंडेड। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जिमिन और योंगी वापस आ जाते हैं और फिर उसके डैड के पास जाते हैं। जिमिन के डैड उन दोनों की शादी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। योंगी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वो इन लोगों की शादी को एक्सेप्ट कर लिया है। योंगी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना ज़्यादा आसान होंगे, लेकिन हाँ, ये सच बात है, जिमिन की डैड इन दोनों की शादी को एक्सेप्ट कर लिया है। जिमिन बोलते हैं कि डैड, क्या आप सच बोल रहे हो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हम दोनों की शादी से, और आप हम लोग के साथ एक्टिंग तो नहीं कर रहे हो ना? जिमिन की डैड बोलते हैं, क्या तुमने मुझे इतने दिनों से नहीं जाना है? मैं कैसा हूँ? मुझे एक्टिंग करना होता तो मैं तुम दोनों को यहाँ पर बुलाता ही नहीं। मुझे अब इसलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने सोचा है तुम मुझसे दूर चले गए हो। इससे तो अच्छा है कि तुम जिसके साथ शादी किया है उसके साथ खुश रहो, और तुम दोनों अगर खुश रहते हो तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। मैं तो इसलिए मना कर रहा था क्योंकि योंगी की कोई खुद की बिजनेस नहीं है, उसका ओन बिजनेस नहीं है, वो सिर्फ जेके का ड्राइवर है। योंगी को ये बात बहुत बुरा लगता है कि उसको ड्राइवर कहा। जिमिन बोलते हैं, क्या आप इंसल्ट करने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया है? जिमिन की डैड बोलते, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे परेशानी हो रहा था मुझे, इसलिए मैंने ये बात कह दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मैं उसके काम को छोटा करके देख रहा हूँ। अगर तुमने उससे शादी कर ही लिया है तो मैं योंगी तुम्हें यही बात बोलना चाहूँगा, क्या तुम मेरे बिजनेस को हैंडल कर सकते हो? क्योंकि मैं ऐसे भी, मेरी उम्र हो चुकी है, अब मैं बिजनेस को नहीं संभाल सकता हूँ, तो तुम और जिमिन क्या मेरी बिजनेस को हैंडल करोगे? मैं तुम लोगों के पास अपना बिजनेस हैंगओवर करना चाहता हूँ। जिमिन खुश हो जाते हैं, क्या, लेकिन आप इतने भी बुरे नहीं हुए हो कि आप बिजनेस से अपना हाथ छुड़ाना चाहते हो, ऐसा नहीं होगा। जिमिन के डैड बोलते हैं, ऐसा ही है, अब तुम दोनों ने शादी कर लिया है तो बिजनेस को संभालो और मुझे रेस्ट करने दो। योंगी बोलते हैं, मुझे मंजूर नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बिजनेस को संभालना, मैं खुद की बिजनेस करूंगा और बहुत पैसा कमाऊंगा, जिमिन को बहुत खुश रखूंगा, आपकी बिजनेस को मुझे हैंडल करने की ज़रूरत नहीं, वो जिमिन खुद कर लेगा, और मैं खुद की पैसे से जिमिन की देखभाल कर सकता हूँ। जिमिन बोलते हैं, तुम्हें क्या बोल रहे हो, क्या मेरी ज़िम्मेदारी सिर्फ तुम्हारा है? तुम्हारा कोई ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है? क्या तुम खुद पैसा कमाओगे? हम दोनों साथ में ही बिजनेस को करते हैं ना? योंगी बोलते हैं, नहीं, मैं खुद की बिजनेस देना चाहता हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं चाहो तो दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता था कि तुम्हारे फादर और तुम मुझे इसी तरह से एक्सेप्ट करो। अगर आपने और जिमिन ने मुझे एक्सेप्ट कर ही लिया है तो अब मैं खुद की बिजनेस देना चाहूँगा। मुझे जेके की ड्राइवर बनना अच्छा लगता है, जेके मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उसके साथ रहना मुझे पसंद है, और इसलिए मैंने कभी सोचा नहीं था खुद की बिजनेस देने के लिए, लेकिन अब जब मेरी शादी हो गई है जिमिन के साथ, मेरे पास भी जिम्मेदारियां है जिमिन की, तो मैं खुद बिजनेस करना चाहूँगा, आप इजाज़त दीजिए मैं ताकि खुद की बिजनेस दे सकूँ। जिमिन के डैड बोलते हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन तुम चाहो तो मेरी बिजनेस को भी कर सकते थे। योंगी बोलते हैं, नहीं। जिमिन बोलते हैं, डैड, उसको रिक्वेस्ट मत कीजिए, उसे जो करना है वो करने दीजिए, अगर उसको ये करने में अच्छा नहीं लगता है तो फिर उसको ज़बरदस्ती मत कीजिए। जिमिन के डैड बोलते हैं, ठीक है, जैसे तुम लोग का अच्छा सा लगे तुम लोग वैसे ही करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम लोग वापस आ गए हो, मेरे लिए यही बहुत बड़ी खुशी की बात है। जिमिन बोलते हैं, हाँ, और अब तुम दोनों क्या तियांग और जेके की शादी में नहीं जाने वाले हो क्या? उन दोनों की शादी होने वाले है। जिमिन बोलते हैं, हाँ, शाम को है और हम लोग जाएंगे, क्या आप नहीं जाओगे? जिमिन की डैड बोलते हैं, मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा है तो मैं नहीं जा पाऊँगा, तुम और योंगी जाना, ठीक है? जिमिन बोलते हैं, ठीक है डैड, आप अपना ध्यान रखना, और फिर वो दोनों अपने कमरे में जाते हैं रेस्ट करने के लिए। यहाँ पे जेके बेचारा, वो तो त्यांग को कॉल किए जा रहे थे लेकिन त्यांग फ़ोन नहीं उठाते हैं क्योंकि त्यांग यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी है, अपनी शादी की कपड़ों को खुद ही डिज़ाइन करने लग गए हैं। शाम को उन दोनों की शादी है और अब वो कपड़ों को डिज़ाइन कर रहे हैं। जेके बोलते हैं, उसको हो क्या गए हैं, वो अभी तक फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? कुछ देर में हम दोनों की शादी है, मैं जाके देखता हूँ वो क्या कर रहा है।
लेकिन जेके नहीं जा पाते हैं, उससे पहले ही जेके के पास एक पार्सल आते हैं। वो उसको रिसीव करते हैं। जेके बोलते हैं, इसको किसने भेजा है? तो वो पार्सल मैन बोलते हैं, इसको मिस्टर तियांग ने भेजा है आपके लिए, खास आप लोग की शादी के लिए इसको बनाया है। इसको खोल कर देखने के लिए कहा है आपको और इसको ही पहनने के लिए कहा। जेके बोलते हैं, ठीक है, मेरी हबी तो बहुत ज़्यादा कूल है, देखता हूँ इसमें क्या है। वो खोलकर देखते हैं, इसमें शादी के कपड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार से उसको डिज़ाइन किया हुआ है। और फिर इस गिफ्ट के साथ एक चीट कोड भी लिखा हुआ था। वो जेके पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ था, माय डियर हस्बैंड, आपके लिए एक कपड़ा खुद आपकी हबी ने अपने हाथों से बनाया है, बहुत ही प्यार से, शादी में इस कपड़ों के ही पहनना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जब एक कपड़ा पहन के तुम आओगे तो मुझे सामने पाओगे, और जब तुम मुझे देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं इतना ज़्यादा हैंडसम लगने वाला हूँ, तुम भी हैंडसम बन के आना, ठीक है? कहीं मेरे सामने फीका ना पड़ जाओ। तुम्हारा तियांग। जेके को बहुत अच्छा लगता है उसकी ये नॉटी बातें सुन के। वो तैयार हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। जब तैयार हो जाने के बाद वो बोलते हैं, मुझे तो इंतज़ार नहीं हो रहा है, क्योंकि तियांग ने कहा है वो आज बहुत ज़्यादा हैंडसम लगने वाला है। तियांग तो ऐसे ही है ब्यूटीफुल और हैंडसम, और आज और भी ज़्यादा हैंडसम लगेगा, मुझे पता ही है, क्योंकि आज शादी जो है उसको तो हैंडसम लगना ही है। मैं तो उसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा पागल हो रहा हूँ। जेके जल्दी से उसको कॉल करते हैं, लेकिन तियांग फ़ोन नहीं रिसीव करते हैं। तियांग मुस्कुराता है, बोलते हैं, शादी से पहले अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, मैं चाहता हूँ तुम थोड़ी देर के लिए तड़पो। अगर मैं आप फ़ोन को उठा लिया तो जब तुम उसे मिलोगे वो मज़ा नहीं आएगा, और जब तुम मेरे इंतज़ार करोगे, फ़ोन नहीं उठाऊँगा, तो जब तुम मुझसे मिलोगे तो देखना तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे भी, मैं भी तुम्हारा लिए बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब तुम आओगे और मुझे देखोगे और मैं तुम्हें देख पाऊँगा और हमारी शादी हो जाएंगे। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जिमिन आते हैं और बोलते हैं, तियांग तो फिर तुम शादी के लिए तैयार हो ही गए, हाँ तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, क्या बताओ तुम तो एक लड़की से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। तियांग बोलते हैं, आप इस तरीके की बात मत करो, मुझे शर्म आ रहे हैं, और युंगी और तुम बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो, क्या तुम्हारे डैड ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है? युंगी बोलते हैं, हाँ मेरे फादर इन लॉ ने हम दोनों की शादी एक्सेप्ट कर लिया है और वो बहुत खुश है, मैंने सोचा भी नहीं था ये सब कुछ इतनी आसानी में हो जाएगा। उनकी सोचना भी गलत नहीं है, वो जो सोचते थे, अब मैं वो करके दिखाऊंगा जो वो चाहते हैं। जिमिन बोलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हनी, तुम मेरे लिए इतना ज़्यादा सोच रहे हो, मैं तुम्हारे लिए नहीं सोच रहा हूँ, तुम्हारे डैड के बारे में सोच रहा हूँ, इसलिए मैं सोचा है कि मैं खुद की बिजनेस करूँगा। तियांग बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। जिमिन बोलते हैं, तुम बहुत बुरे हो, तुम बोल सकते थे ना कि तुम मेरे लिए करोगे। योंगी बोलते हैं, क्या तुम और तुम्हारा डैड अलग हो क्या? मैं तुम दोनों के लिए ही करूँगा और मुझे कुछ करके दिखाना है। तियांग बोलते हैं, ऑल द बेस्ट, तुम दोनों के लिए बहुत बहुत खुश हूँ मैं। जिमिन बोलते हैं, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हें आखिर में तुम्हारा मिस्टर परफेक्ट मिल ही गया, तुम्हारे लिए मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ बता नहीं सकता हूँ। तियांग को गले लगा लेते हैं जिमिन। उस वक्त जेके आ जाते हैं और बोलते हैं, जिमिन शी, छोड़ो उसको अभी, वरना तुम्हारा खैर नहीं। और वो दौड़ के आते हैं और जिमिन को उससे अलग कर देते हैं। तियांग शॉक हो जाते हैं कि क्या कर रहा है वो, सबके सामने जिमिन को तियांग से अलग कर दिया और दौड़ के आया यहाँ पे। तियांग बोलते हैं, जेके क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या? सब देख रहा है और हम दोनों की शादी है, सबकी फोकस हमारी तरफ है, तुम इस तरह की काम मत करो। जेके बोलते हैं, मैं तुम्हें हक करूँगा, और फिर उसको हक कर लेते हैं। तियांग शाय फील करते हैं। जेके बोलते हैं, क्या हुआ तुम अब इस तरह से क्यों कर रहे हो? जिमिन तुम्हें हक कर सकते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हक करता हूँ तो तुम इस तरह से मुंह बनाते हो, ऐसा क्यों? क्या मेरे हक तुम्हें अच्छा नहीं लगता है? और फिर उसको टाइटली हक कर लेते हैं। तियांग भी उसको हक करते हैं और बोलते हैं, मुझे शर्म आ रहे हैं इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ।
वरना मुझे क्या प्रॉब्लम होंगे। जिमिन तुम्हें हक कर सकते हैं, तब तुम्हें शर्म नहीं आते हैं। बेशरम कहे क्या, दोबारा से इस तरह से करते हुए देखा ना तो इसके लिए पनिशमेंट मिलेगा। देखना आज रात को मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, उसके कान के सामने विस्पर करके बोलते हैं। तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन मिलने वाला है, तुम उसको झेल पाओगे ना त्यांग। त्यांग बोलते हैं तुम बहुत नॉटी हो, इस तरीके की बातें सबके सामने नहीं करते हैं। शेमलेस जे के त्यांग के गाल पे किस कर देते हैं। त्यांग बोलते हैं तुम पागल हो गए हो क्या। जे के बोलते तुम्ही ने तो कहा ना शेमलेस, तो ऐसा ही कहना चाहिए। त्यांग बोलते हैं तुम्हें तो कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ, पता नहीं इसके बाद तुम क्या करोगे। जे के उसके होठों के पास चले जाते हैं। त्यांग बोलते हैं क्या करने वाले हो तुम। जे के बोलते हैं कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं करूँगा, थोड़ी देर में करने वाले हैं ऐसे भी। रुक जाते हैं, देखते हैं कितने देर तक रुकना पड़ते हैं। ज़्यादा देर हुआ ना तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे शुरू हो जाऊँगा। त्यांग बोलते हैं तुम भी ना बहुत पागल हो। जिमिन बोलते हैं ये सब कुछ बंद करोगे क्या, हम लोग भी यहाँ पे मैरिड कपल हैं, हमारी अभी अभी शादी हुई है, लेकिन तुम दोनों तो पागल हो ही जा रहे हो। त्यांग उसकी तरफ बहुत ही शायफिल तरीके से देखते हैं और बोलते हैं जिमिन तुम भी ना ऐसा कुछ भी नहीं है। जिमिन बोलते हैं दिख रहा है तुम दोनों प्यार में पूरी तरह से डूब चुके हो, इतना प्यार कब हुआ। त्यांग बोलते हैं पता नहीं लेकिन हो गया, अब क्या करें। मुझे तो पहले लगता ही नहीं था कि मैं किसी से इतना ज़्यादा प्यार करूँगा, लेकिन ये सच बात है, मैं जेके से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा। अब मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। मैंने इतने लोगों के साथ काम किया है, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, लेकिन जेके को देखने के बाद सिर्फ उसके बारे में सोचता हूँ। मैं जेके से जितना ज़्यादा दूर भागने की कोशिश कर रहा था उतनी ही उसके करीब आ जाता, और मैं अब खुद को नहीं अलग रख सकता हूँ उससे। जिमिन मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और जेके बोलते हैं तो ये बात है। जेके बोलते हैं तो फिर ये बात है, तुम मेरी बात मुझसे नहीं शेयर कर रहे हो। जिमिन के साथ बिल्कुल बोल सकते हो लेकिन मुझसे नहीं बोल सकते हो। तुम मुझसे अलग नहीं रह सकते हो तो फिर अलग रहने की ज़रूरत क्या है। और त्यांग को दोबारा से टाइटली हक कर लेते हैं और जेके की दादाजी आते हैं और बोलते हैं तुम लोगों की ये सब कुछ हो गए हो तो शादी की विधि शुरू करें। और फिर जेके त्यांग से अलग होते हैं और बोलते हैं हाँ हाँ जल्दी कीजिए, मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा है। त्यांग जेके को बोलते हैं इतनी शेमलेस बातें बंद करो, सब लोग यहाँ पे है क्या सोचेंगे हमारे बारे में। जेके बोलते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ शादी से मतलब है, जितनी जल्दी हो सके उतनी ही मेरे लिए अच्छा है। उसके दादाजी बोलते हैं ठीक है तुम लोग की शादी के लिए ज़्यादा तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, करा देता हो तुम दोनों की शादी। पहले तो करना नहीं चाहते थे, अब शादी के लिए मरे जा रहे हो तुम लोग, अब करो शादी, देखते हैं कितना प्यार रहते हैं तुम दोनों के बीच में। ऐसे ही मैंने तो देख के ही समझ गया था कि तुम उसके प्यार में बिल्कुल पागल हो गए हो। तुम्हें तो अभी ऑफिस की भी नहीं पड़ी है, तुम तो सिर्फ अपनी त्यांग के बारे में ही सोचते हो। मेरी ऑफिस की हालत क्या कर दिया है तुमने, देखा है कभी कोई मीटिंग्स अच्छी तरह से नहीं करते हो। जेके बोलते हैं अब छोड़िए भी इन सारी बातों को, जल्दी से शादी कराइए, ऑफिस की बात यहाँ पे लेकर आते हो आप, इसलिए मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ। पहले तो शादी के बारे में बोल रहे थे, अब शादी करना चाहते हो तो देर क्यों कर रहे हो। ज्ञान पा उसको बोलते हैं मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ। तो फिर जेके और त्यांग की शादी हो चुकी है, अब इन दोनों को किस करने के लिए बोलते हैं, लेकिन किस करने के बारे में बोलने की पहले ही जेके त्यांग को किस कर लेते हैं, और ये तो रुक ही नहीं रहे थे। त्यांग भी उसकी किस को बैक कर रहे थे, ये दोनों एक दूसरे के किस में इतना ज़्यादा डूब गए थे कि इन दोनों को पता भी नहीं है कि अभी तक उन दोनों को किस करने के लिए नहीं कहा। जिमिन और योंगी बोलते हैं ये दोनों बिल्कुल पागल है, त्यांग ऐसा करेगा मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन आप देखो मेरा सोलमेट तो बदल गया, ये दोनों तो एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो उसके दादाजी बोलते हैं बेशरम कहेगा, रुक भी जाओ यहाँ पे सब लोग हैं, और जाओ अपने कमरे में जाओ और जो कुछ भी करना है वहाँ पे जाके करो। फिर त्यांग उसको धक्का देते हैं और बोलते हैं जेके सब लोग यहाँ पे हैं, इतनी देर से वो खुद भी कर रहे थे लेकिन आप इस तरह से बोल रहे कि सारी गलती जेके का है। जेके बोलते हैं तुम खुद भी तो ये सब कुछ कर रहे थे ना, अब सिर्फ मुझे बोले जा रहे हो, ये बहुत गलत बात है। हाँ मैं तुम्हें कह देता हूँ ये सब कुछ नहीं चलेगा, मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है।
उसके दादाजी बोलते हैं, खाना ख़त्म कर ले, इसके बाद जो कुछ भी करना है कर लेना, पहले ख़त्म कर लो। और फिर सब लोग की खाना ख़त्म हो जाते हैं। सब लोग की खाना ख़त्म हो जाने के बाद सब लोग जाने लगते हैं इन दोनों से मिलके। अब त्यांग और जीके अपने कमरे में हैं। त्यांग बैठे हुए थे, जीके अपने कमरे में आते हैं और डोर को लॉक करते हैं। देखता है कि एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैंडसम मैन जीके के लिए इंतज़ार कर रहा था। जीके को तो सब्र ही नहीं हो रहे थे, वो तुरंत जाके त्यांग के पास बैठ जाते हैं और त्यांग को तुरंत किस कर लेते हैं। त्यांग जीके को बोलते हैं, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी पेशेंट नहीं है ना, तुम खुद को नहीं रोक पाते हो। जेके बोलते, नहीं अब कुछ मत बोलना और मुझे रोकना भी मत, मैंने बहुत इंतज़ार किया है, मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं पागल होए जा रहा हूँ, अब मैं खुद को नहीं रोक सकता हूँ। और त्यांग के कपड़े खोलने लगते हैं। त्यांग बोलते हैं, तुम क्या कर रहे हो ये सब कुछ, तुम इतना हवरी क्यों कर रहे हो, धीरे से भी कर सकते हो। जेके बोलते, नहीं नहीं मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा है, मैं पागल हो जाऊँगा, मैं अभी नहीं रुक सकता हूँ, तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करना ठीक है। और त्यांग फिर जेके की कपड़ों को भी खोलने के लिए मदद करते हैं। और जेके और त्यांग एक दूसरे को किस कर रहे थे। आप जेके त्यांग को बेड पर लेटा देते हैं और इसके ऊपर आते हैं और इसकी फेस पे किस करते हैं और बोलते हैं, तुम इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम्हारी ये लिप्स बहुत ही ज़्यादा मुलायम और सॉफ्ट है, बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हें किस करके। त्यांग, तुम्हारी ये आँखें सिर्फ मुझे देखने के लिए और किसी को मत देखना ठीक है। तुम्हारी ये नोज़ सिर्फ मेरी खुशबू लेने के लिए, किसी और की खुशबू मत लेना कभी भी, तुम्हें गुस्सा हो जाऊँगा। तुम्हारी ये हैंड सिर्फ मुझे टच करने के लिए और किसी को नहीं। तुम्हारी ये बॉडी सिर्फ मेरे लिए, तुम्हारा सब कुछ मेरे लिए। त्यांग बोलते हैं, हाँ मैं पूरी तरह से तुम्हारा हूँ, तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो, मैं किसी और को ये इजाज़त नहीं दूँगा। जेके को त्यांग की परमिशन मिल जाते हैं। अब जेके बिल्कुल पागल घोड़े जैसा हो गए हैं, अब वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। त्यांग उसको रुकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो नहीं रुकते हैं, उसके साथ पता नहीं कितने टाइम्स ये सब कुछ करते हैं। त्यांग बोलते हैं, मैं किस पागल के साथ शादी कर लिया है, ये तो बिल्कुल पागल है। सो गाइस, मैं इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।